हाय, दिस इज मनी शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा बुलिश हो सकता है और 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप देखो, काफी अच्छा गैप अप हुआ था ओपनिंग, लेकिन 12,000 लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वापस मिला और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला 11,680 के आसपास। अब 11,770 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। अब थोड़ा क्रूशियल लेवल हो जाता है 11,840-11,850। अगर आने वाले दिनों में 11,840-11,850 क्रॉस कर लेता है तो वापस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अभी भी डेली चार्ट पे ये अप ट्रेंड में ही है। और अगर 11,840-11,850 क्रॉस नहीं करता है तो वापस हमें एक शार्प फॉल करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, इसका लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस दिन इसका लो ब्रेक करेगा, एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट एक दो दिन, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था। 11,840-11,850 क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मिडल ऑफ द कैंडल है बड़े रेड कैंडल का। अगर ये क्रॉस कर लेता है और सस्टेन करता है तो वापस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, फिर ये कैंडल का इतना वेटेज नहीं रहेगा। ठीक है, सो 11,840-11,850 आपको लेवल ध्यान देना है। अगर वो क्रॉस करता है तो आपको बाइंग करना है, अदरवाइज अगर 11,800 के नीचे रहता है तो आप शॉर्ट की तरफ ध्यान दे सकते हो 11,850 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्लियर सेटअप है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्गर लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो बैंक निफ्टी मिडल ऑफ द कैंडल तक पहुंच भी गया है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है 23,850 अगर क्रॉस कर लेता है तो वापस ये 24,000 के ऊपर जा सकता है। फिर ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल बना, इसका वेटेज खत्म हो जाएगा। सो वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो 23,850 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख लेना, 23,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाने लगा तो आपको बाइंग की तरफ ध्यान देना है। और अगर 23,850 के ऊपर नहीं जाता है, वापस नीचे आता है, जिस दिन ये लो टूटेगा उस दिन एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो आपको सेलिंग की तरफ ध्यान देना है अगर 23,850 क्रॉस नहीं होता है तो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए, कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा M&M। M&M का स्ट्रक्चर मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, दो रेड कैंडल बड़ा कैंडल बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई इंट्राडे बाउंस मिलता है तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। अगर ये 615-20 के आसपास मिलता है तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट कर सकते हो इसको इंट्राडे में, इसमें आपको काफी अच्छा पैसा आ सकता है। बाउंस में आपको शॉर्ट करना है 615-620 के लेवल के आसपास। PVR भी सेम कंसेप्ट है, अगर आप देखो 7-8 रेड कैंडल बन चुका है तो मुझे लगता है इसमें भी एक बाउंस आ सकता है 1240 तक अगर कोई भी बाउंस आता है 1235-1240 तो काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। यहाँ पर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट कर सकते हो और वापस हमारा टारगेट हो ये जो गैप है ये पूरा फिलअप कर सकता है। सो 1100 तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। इंट्राडे में भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, लेकिन करंट कैंडल पे नहीं, कोई बाउंस मिलता है तो आपको शॉर्ट करना है 1230 के लेवल के आसपास, आपको शॉर्ट पे ध्यान देना है। डाबर आप करंट लेवल पे ही सेल कर सकते हो। डाबर में क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये टर्न हुआ था, ठीक है, सो बायर्स ने क्या किया था, यहाँ पर बाइंग किया था। अब ये जो लेवल है ये बायर्स का क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग जरूर दिया है, लेकिन अगर वापस ये लेवल के नीचे जाने लगा तो मुझे लगता है एक शार्प वाला हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। जितने भी बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर यू टर्न देख के बाइंग किया है उनका स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। और अगर आप देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल भी टूटा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है डाबर ने। अब मुझे लगता है 500 के नीचे एक शार्प वाला हमें देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। चलिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.